प्रिय दर्शकों, आज हम बनाएंगे बंडे की सब्जी। तो बंडे को हमने छोटे पीस में काट लिया है और बढ़िया तरीके से धुल भी लिए हैं, पानी डाल दिए हैं। मसालों में एक बड़ा चम्मच धनिया है, थोड़ा जावित्री, दो लाल तीखी मिर्च, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, आधा छोटा चम्मच पोस्तक दाना ले लिया, आधा छोटा चम्मच जीरा है, थोड़ा जायफल, थोड़ा दालचीनी, दो लौंग, 5-6 दानी काली गोल मिर्च है, थोड़ा हल्दी ले लिए हैं और थोड़ा तेज पत्ता ले लिए हैं। तेज पत्ता को निकाल कर मसाले हम पीस लेंगे। एक नींबू ले लिए हैं। तो नींबू डालने से बंडे की सब्जी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो अब हम बंडे को कढ़ाई में डाल देते हैं। अब हम पानी डालेंगे और इसे करीब 10 मिनट तक पका लेते हैं मीडियम हाई फ्लेम में। जब तक बंडा पक रहा है तब तक हम मसाले पीस लेते हैं। तो मसालों में 5-6 कलिए लहसुन ले लिया है और सिलबट्टे में मसाला डाल दिए हैं। थोड़ा पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल महीन पीस लेते हैं। हम यहाँ सिलबट्टे में पीस रहे हैं, आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं। तो मसाले हमने पीस कर तैयार कर लिया है। 10 मिनट तक बंडा भी पक गया है। ये देखिए, बंडा अच्छी तरीके पक कर तैयार हो गया है और ज़्यादा गलाना नहीं है। तो इस तरीके हमें बंडा पकाना है। तो बंडे को हम थाली में निकाल लेते हैं इस तरीके, छन्नी से छान कर। तो उबला हुआ बंडा हमने थाली में निकाल लिया है। अब हम दूसरी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और तेल को चारों तरफ फैला देते हैं ताकि बंडा फ्राई करते समय चिपके ना। अब हम पंचफोड़न 1 बड़ा चम्मच मसाला डालेंगे। मसाले को चटकने देते हैं। पंचफोड़न मसाला मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब हम पका हुआ बंडा डाल देते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और बंडे को हम सुनहरा कलर तक फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को हमने चारों तरफ फैला दिया था इसलिए कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है। तो आप जब भी फ्राई करें तो इस तरीके चारों तरफ सरसों तेल फैला दीजिए ताकि कढ़ाई में चिपके ना। तो बंडे का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, सुनहरा कलर हो गया है, ये देखिए। तो अब इसे हम थाली में निकाल लेते हैं। तो फ्राई किया हुआ बंडा हमने थाली में निकाल लिया है, ये देखिए। तो आइए अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं। कढ़ाई में तेज पत्ता डालेंगे, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, इसे भी थोड़ा भून लेते हैं, इससे बहुत बढ़िया कलर आएगा। अब हम पिसा हुआ मसाला डाल देते हैं। मसालों को अच्छी तरीके भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल न निकलने लगे और मसाला में खुशबू न आने लगे। तो मसालों में से खुशबू आने लगी है और तेल भी छोड़ने लगा है, ये देखिए। मसाला बढ़िया से भून गया है। फ्राई किया हुआ बंडा डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम पानी डाल देते हैं। तो पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये हमने अच्छी तरीके मिला दिया है। अब हम 6 मिनट के लिए ढक्कन लगा देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। 6 मिनट हो चुका, ढक्कन हटाएंगे। तो बंडा की सब्जी अच्छी तरीके पककर तैयार हो गई है और बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है इसलिए कि हमने खड़े मसालों का प्रयोग किया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हमारे पास इस समय हरा धनिया नहीं है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। तो हमने कटोरी में बंडा की सब्जी निकाल लिया है। अब इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ देते हैं, इससे कई गुना टेस्ट बढ़ जाता है। तो हमने थाली में मूंग दाल का पराठा ले लिया है, चावल ले लिए हैं। तो ये देखिए, पराठा इस तरीके हमने बनाया है और इसकी वीडियो आप देखना चाहते तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो ये देखिए, मूंग दाल का पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ में हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरीके आप भी बनाइए, खाइए। तो मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।